Hello friends, welcome back to my channel and you are watching CCC Creative Crafts and Cooking by Priya. तो friends, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उपटन सोप। आप लोगों ने सुना ही होगा ना कि दुल्हन को जो उपटन लगाया जाता है जिसकी वजह से स्किन में ग्लो आता है, निखार आता है, जो स्किन डल पड़ गई है वो अगेन शाइन करने लग जाती है, लेकिन उसको रोज बनाकर लगाना बहुत ही ज्यादा झंझट वाला बन जाता है। तो क्यों ना उसी का सोप बना लिया जाए। ये आपको यूज करने में भी कन्वीनियंट रहता है और इसके गुण उतने ही आपको मिल जाते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें इसका पूरा प्रोसीजर जानने के लिए। और अगर आपको मेरा आज का वीडियो यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपके राइट हैंड साइड में दिया हुआ है ये सब्सक्राइब बटन, इस पर क्लिक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज सबसे पहले आपके पास आए। उसके लिए जरूरी है कि आप बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस करें। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। आप बेफिक्र होकर इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। उपटन साबुन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया है सोप बेस बोटैनिका का। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही इजीली आपको ये ऑनलाइन मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको ये सोप बेस नहीं मिलता है तो आप पियर्स का ये सोप भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये जो सोप बेस मैं यूज कर रही हूँ काफी ज्यादा सस्ता पड़ जाता है, इसलिए अगर आप घर में साबुन बनाना चाहते हैं तो ये सोप बेस यूज कीजिए। बहुत ही ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव पड़ेगा और जिस भी तरह का साबुन आप बनाना चाहते हैं आप बना पाएंगे बहुत ही इजीली। अभी आप देख सकते हैं मैंने इसका लगभग 1/8 हिस्सा ही यूज किया है और इसकी हेल्प से मैं 3 साबुन बना लूंगी। तो इसको कट करना भी बहुत ही इजी है, आप नाइफ से इसको बहुत ही इजीली कट कर पाएंगे, बहुत ही इजीली कट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लीजिए। इसको हम छोटे छोटे पीसेस में इसलिए कट कर रहे हैं क्योंकि अभी हमें इसको मेल्ट करना है। और आप देख सकते हैं ये कितना क्लियर है और बहुत ही अच्छा होता है ये सोप बेस। बिल्कुल वैसे ही वर्क करेगा जैसे आपके जो और मार्केट से साबुन आप खरीदते हैं बिल्कुल वैसे ही, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है और आप जिस भी तरह का साबुन बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। अभी और भी डिफरेंट टाइप के सोप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वाला सोप पसंद आया है या नहीं और आप और अदर सोप देखना चाहते हैं या नहीं। तो इस तरीके से मैंने इसको छोटे छोटे पीसेज में कट करके एक बोल में डाल लिया है। अब हम इसको करेंगे मेल्ट। उसके पहले मैं आपको दिखा देती हूँ सोप्स के लिए हम कौन से मोल्ड यूज करने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पर ये सिलिकन के कुकीज मोल्ड हैं, जो मफिन मोल्ड्स आते हैं वही हैं। अगर आपके पास ये मोल्ड्स नहीं हैं तो बॉदर होने की जरूरत नहीं है। आपके पास ये खाली आइसक्रीम के कंटेनर्स हो सकते हैं क्योंकि अभी समर चल रही है तो आइसक्रीम आप सभी लोग खाते हैं। लेकिन अगर वो भी नहीं है तो आप कोई भी कैप यूज कर सकते हैं, डिओड्रेंट का आपका कोई कैप हो या फिर आपका कोई भी क्रीम का खाली ढक्कन हो वो भी यूज कर सकते हैं। तो सिलिकन मोल्ड्स में तो आपको कोई भी चीज लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये जो आइसक्रीम के खाली कंटेनर्स हैं इसके चारों साइड में अच्छे से वैसलीन लगा लीजिए ताकि जब आप साबुन निकालें उसको डीमोल्ड करें तो वो इजीली डीमोल्ड हो जाए। तो अब हम बनाते हैं उपटन। उपटन बनाने के लिए फर्स्ट इंग्रेडिएंट बेसन, उसके बाद हमने ऐड किया है चावल का आटा, राइस फ्लावर, उसके बाद मैं ऐड करूंगी मुल्तानी मिट्टी और उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐड किया है ऑरेंज पील पाउडर, मीन्स संतरे के छिलके का पाउडर। ये मेरा होममेड है, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद ऐड किया है हल्दी, सभी चीज़ें 1 स्पून ऐड की हैं और हल्दी 1/2 स्पून ऐड की है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और लीजिए यहाँ पर आपका ये उपटन का बेस है बिल्कुल रेडी। लेकिन जो आज हम सोप बना रहे हैं इसको आपको अपनी बॉडी पर ही यूज़ करना है, फेस पर यूज़ ना करें। फेस पर कैसे यूज़ करेंगे इसके लिए आप मेरे दूसरे चैनल फील फ्री सॉल्यूशन पर जरूर देखें, इसी उपटन का फेस मास्क मैं आपको वहां पर दिखाऊंगी। तो यहां पर मैंने एक डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से इसको मेल्ट करना है सोप को। नीचे मैंने एक बर्तन में पानी रखा है और उसके ऊपर ये कटोरी रख दी है। ध्यान रखिएगा जब भी आप साबुन बनाएं इस तरीके से मेल्ट करें, पानी की एक बूंद भी इस साबुन में नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज जब आप साबुन को सेट करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम आती है। तो यहाँ पर बिल्कुल लो फ्लेम पर साबुन को मैंने अच्छे से मेल्ट कर लिया है। यहाँ पर मैं यूज करूंगी टी ट्री का एसेंशियल ऑयल, आप चाहें तो कोई भी एसेंशियल ऑयल यूज कर सकते हैं लाइक लेवेंडर, रोज, एनीवन। उसके बाद अब जब हमने इसको फ्लेम से उतार लिया है तो ध्यान रखिए इसको आपको गर्म, जिसके नीचे पानी था गर्म उसी के ऊपर रखना है, अदरवाइज साबुन बहुत ही जल्दी सेट हो जाता है।
और अब मैंने यहाँ पर क्योंकि तीन साबुन बना रही हूँ तो 3 चम्मच भरकर ये उबटन बेस इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब एक विस्कर की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। जितना आपको साबुन बनाने हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको इसके अंदर जो हमने उबटन का बेस बनाया था वो ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर 3 स्पून उबटन का बेस ऐड किया है और आप देख सकते हैं गर्म पानी के बर्तन के ऊपर ही रखकर मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। अगर मैं इसको नीचे रखकर मिक्स करती तो अभी तक साबुन सेट हो गया होता, तो ये गलती कभी भी ना करें। आप देख सकते हैं नीचे कितना तेज गर्म पानी था। अब जब ये सब चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं तो आप इसे जो भी आपने मोल्ड्स लिए हुए हैं उसके अंदर ऐड कर दीजिए। तो इस तरीके से मैं सभी मोल्ड्स में ये सोप बेस ऐड कर दूंगी और इसको लगभग आधा घंटा के लिए ऐसे ही सेट होने के लिए छोड़ दूंगी। और उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ टी ट्री एसेंशियल ऑयल। आप चाहें तो जिस टाइम आप जो बेस मिक्स कर रहे थे उबटन का उसी टाइम भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसी स्टेज पर ऐड किया है और इसको हल्का सा मिक्स कर दिया है। ध्यान रखिए जैसे ही आप इसको मोल्ड में डाल देते हैं तो ये सेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसको बहुत ही क्विकली करें। तो इस तरीके से मैंने इसको आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे के बाद आप देख सकते हैं साबुन बिल्कुल अच्छे से सेट हो गए हैं और जो सिलिकॉन मोल्ड्स हमने यूज़ किए थे उसमें से ये सोप्स कितने क्लियरली बाहर निकले हैं। जस्ट लुक एट दिस, वाओ, इट्स लुकिंग सो ब्यूटीफुल। कैन यू इमेजिन कि आप घर में भी इतने ब्यूटीफुल सोप्स बना सकते हैं और वो भी इतने सारे गुणों से भरा हुआ। मीन्स आपने जो इसके अंदर उबटन बनाकर डाला है उसकी हेल्प से आपकी स्किन जो इतनी ज़्यादा ग्लो करेगी ना, आपको बिलीव ही नहीं हो पाएगा। एक बार इस सोप को 1 मंथ तक रेगुलर यूज़ कीजिए, उसके बाद आपकी स्किन में क्या डिफरेंस आया अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बिल्कुल आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप देख सकते हैं इसको भी मैंने इजीली डीमोल्ड कर लिया, एक बार नाइफ से चारों साइड से स्क्रैप किया था। उसके बाद ये भी बिल्कुल क्लियर बाहर आ गया है। आप देख सकते हैं वो आइसक्रीम का कंटेनर भी बिल्कुल क्लीन है। तो इस तरीके से मेरे ये तीनों सूप बनकर बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसमें मार्केट के जैसे झाग बनते हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ पर लिया है थोड़ा सा पानी, उसमें इसको डिप करूंगी और मैं आपको इसको रगड़ कर दिखाती हूँ कि क्या इसमें से वही झाग आ रहे हैं या नहीं। एंड जस्ट लुक एट दिस कि इसमें बिल्कुल वैसे ही झाग बन रहे हैं जैसे आपके मार्केट वाले साबुन में बनते हैं। तो एक बार इसको ट्राई जरूर कीजिएगा, आई एम डैम श्योर आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता पड़ता है और आपकी स्किन को ग्लो बहुत ज़्यादा करने वाला है। आशा है कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। मिलती हूँ ऐसे ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।